जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं एक अलग कहानी जिसका नाम है डिटेक्टिव बूमरा एंड द ड्रीम किलर। आज चांद पूरे शबाब पर था। उसकी रोशनी मंद ट्यूबलाइट की तरह हर तरफ रोशनी बिखेर रही थी। रात को भी सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। अनवीर टूटी दीवार के पीछे छुपा कांप रहा था। रुक रुक कर वो धीरे से उठता, अपनी डरी सी आंखों से चारों ओर देखता और फिर नीचे को बैठ जाता। अपने ही हाथों से मुंह को ढके वो रो रहा था। आखिर अपनी ही आवाज को अनवीर क्यों दबाना चाहता था? क्या वो किसी से बचकर भाग रहा था? उसकी आंखों को देख साफ लग रहा था वो इतना डरा हुआ है कि ठीक से आंखें खोल भी नहीं पा रहा है। पांव पर जगह जगह चोट के निशान थे, हाथ भी लगभग छिले हुए थे, जैसे बस किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागा हो। कुछ डरा देने वाली आवाजें उसका नाम पुकार उस तक पहुंचना चाहती थी। उसे लगा वो आवाजें उसके करीब आने लगी हैं। उसने तुरंत बिना सोचे समझे सामने के रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। रास्ता घुमावदार था और हर थोड़ी दूरी पर कुछ घर बने थे। न जाने भागते हुए उसके दिमाग में क्या आया, उसको बस एक घर का दरवाजा खुला दिखा और वो अंदर की ओर दौड़ गया। दरवाजा बंद कर उसने राहत की सांस ली। फिर खिड़की के किनारे से उसने देखा वो लोग, वो दिल को दहला देने वाले लोग रास्ते पर अजीबोगरीब ढंग से चलते हर घर की ओर ऐसे घूरते जैसे वो तलाश में हो, या फिर यूं कहें शिकार को जकड़ना चाहते हो। भारी सांसों से अनवीर बस यही मनाता रहा कि वो उस घर के आगे से बिल्कुल वैसे ही निकल जाए जैसे बाकी घरों के आगे से निकले थे। पर एक व्यक्ति जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, वो चलता चलता उस घर के सामने आ रुका। वो अपनी पीली बड़ी आंखों से अजीब ढंग से घर की ओर झांकने लगा। शायद उसने कुछ भांप लिया। वो दौड़ता दरवाजे से जा भिड़ा। ये देख बाकी सब भी झुंड बना घर की ओर दौड़ने लगे। भयानक मंजर था। सबके सब अनवीर को अपना ग्रास बना लेना चाहते थे, अपने पहने दांतों से उसके रक्त का स्वाद लेना चाहते थे। अनवीर जल्दबाजी में घर के कमरों में झांकने लगा। वो जानता था उसे अब वहां से भाग निकलना होगा। समय कम था उसके पास। दरवाजा अब धीरे धीरे झूलने लगा। वहीं अनवीर को एक खिड़की नजर आई। उसने झट से उसे खोला और लटक कर बाहर की ओर कूद गया। नीचे गिरते उसके पांव में मोच आ गई। लंगड़ाता वो दूसरी तरफ दौड़ने लगा। किसी तरह वो नदी के किनारे पहुंचा। नाव को खोल वो धीरे धीरे नदी के अंदर की ओर गया। सब कुछ खामोशी में बदल गया। सिर्फ पानी और उसकी सांसों की आवाज ही अब सर्द रात की संगिनी थी। वो अब शायद खतरे से बाहर था। किनारे पर जा उसने अपने पैरों को ध्यान से देखा। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी शर्ट का सिरा फाड़ा और मोच वाले पैर में बांध लिया। पर पानी के ऊपर एक शैडो देख उसकी चीख निकल गई। कोई उसके पीछे खड़ा उसको घूर रहा था। आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। मुंह से खून की धारा जमीन पर गिर रही थी। पेट का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि पेट की जगह कई कीड़ों का एक गुत्था था। अनवीर बिना रुके दौड़ने लगा। आगे की ओर कब्रिस्तान था, पर जैसे जैसे वो एक एक कब्र को पार करता, हर कब्र से एक लाश उठकर खड़ी हो जाती। इतनी लाशों के बीच अनवीर बिल्कुल अकेला था। उसे आभास हो चला था कि उसकी दर्दनाक मौत अब उस तक पहुंच चुकी है। ग्रेवयार्ड को पार कर वो एक पेड़ के पीछे जा गिरा। उसके एक पैर की हड्डी बाहर को झांकने लगी थी। दर्द में वो कराह उठा। वो खून के प्यासे दरिंदे अब अनवीर के बेहद करीब आ गए। उनके हाथ उसकी चमड़ी को चीर देने को ललायित थे। उनकी जीभ बाहर को निकल आई। अनवीर ने आंखें बंद कर ली।
इस इंतजार में कि बस उसके शरीर को वो दर्द मिलने वाला है जो मृत्यु का रास्ता तय करेगा। अचानक उसे कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे वो उस तक पहुंचने वाली हो। उसे हल्की गर्मी का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोली, पाया सामने वो खड़ा था जिसके आ जाने से मृत्यु निगाहें झुकाकर नीचे बैठ जाती थी। जी हाँ, डिटेक्टिव बूमरा अपने ही अंदाज में बाइक पर सवार अपनी एक टांग को जमीन पर टिका रणवीर की ओर देख रहे थे। क्या कॉन्फिडेंस था। ब्राउन कलर के जैकेट में उस भारी मोटर बाइक पर उनको देखना बनता था। आंखों से उन्होंने अपने काले चश्मे को उतारा और अपना हाथ अनवीर की ओर बढ़ा दिया। अनवीर को तो लगा कोई फरिश्ता उनको बचाने आया है, उसने भी हाथ बढ़ा दिया। कुछ ही क्षण में दोनों वहां से दूर जाते दिखे। अनवीर बस इतना देख पाया, जो दरिंदे उसके करीब थे वो राख में तब्दील हो चुके थे। ठंडी हवा उसे जिंदगी से वापस मिलवाने लगी। वो भयानक लोग, वो आवाजें और वो डर अब पीछे छूटने लगे। डिटेक्टिव बूमरा की भारी सी मोटरसाइकिल पर वो पीछे बैठा खुद को भाग्यशाली मानने लगा। तेज आवाज करती बाइक जंगल के सन्नाटे को चीरती आगे बढ़ने लगी। क्या हो रहा था अनवीर के साथ? आखिर डिटेक्टिव को कैसे पता लगा कि अनवीर खतरे में है? सुनाऊंगा आगे की कहानी डिटेक्टिव बूमरा एंड द ड्रीम किलर भाग दो में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।